हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नीचे ढोलक लगी हुई है नई बहू के आने की खुशी में। हे गाइस, तो नई बहू की आने की खुशी में दो तीन दिन तक की ढोलक लगती है, लोग आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। तो मैंने कुछ एक आधी शॉर्ट क्लिप्स भी, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी, तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी। एक्चुअली जो मेरी चाची जी है ना, वो भी आई हुई है, तो उनकी बेटी भी आई हुई है, तो नन्नू और उसको भूख लग रही थी, वो पीछे पानी पी रही है। तो मैंने सोचा चलो भाई बना देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वैसे मैं 5-6 महीने में बनाती हूँ एक बारी मैगी, आपको पता होगा। तो मैं मैगी बनाने के लिए मतलब स्टार्ट ही किया बनाना, फिर इतने में मुझे स्मोली को साड़ी पहना करके नीचे लेकर के आना था। उसको साड़ी ड्रेप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने किरण को बोला, किरण ने मैगी देखी, मैं जल्दी स्मोली को लेने गई। और आपको बता दूँ, जो आगे ढोलक की क्लिप आने वाली है ना, ये पिछले दिन की, इस आज की मैं बाद में शेयर करती हूँ। तो मीठा होएगा सासू तेरा लड़का, कभी तो मेरा होएगा। बेलन तो मेरे हाथ में, खट्टा नींबू खट्टा कभी तो ना पाई, दुई कपड़ा बल में गठेरा लेके तो आपने देखा मेरी चाची सास हैं और जो दादी सास हैं, बुआ दादी सास, उन लोग कितने अच्छे से गाना गा रहे थे। खैर, आज की जो गाने की क्लिप है वो मैं बाद में भी शेयर करती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आ गई थी यहाँ पुराने घर में। तो यहाँ पर ना मम्मी लोग, दादी लोग, सब लोग मिल करके बना रहे हैं ये बाइना, ये रखा जाएगा लड़की के साथ में। एक्चुअली स्मोली को अब जाना भी है, पंडित जी ने बोला था कि 18 तारीख की विदा बन रही है, उसी दिन लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब जाएगी उस स्मोली। तो जाने के पहले बहुत सारा सामान, ये जो आप देख रहे थे ना, लड्डू खस्ता वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं। जल्दी बजाओ, स्टार्ट हो जाओ। हम बजा रहे हैं आप? हाँ, बड़ी बजा रही है। चलो चाची आओ यार, गवा लो। मैं क्या करूँ राम बहू मॉडर्न मिल गई। गाइस, ये मैंने कुछ सामान मंगाया है अमेज़न से, आपको दिखाती हूँ, अभी जस्ट आया है। देखिए, डव का शैम्पू मैंने 2 डब्बे मंगा दिए हैं, तो हर किसी के बाथरूम में रखा जाएगा ये। और ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने मंगा लिया है, ये सौरभ यूज़ करते हैं। साथ में मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं इस क्लिनजिंग मिल्क को VLCC का, क्योंकि VLCC का ना मुझे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, फेशियल किट, वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो मैंने सोचा चलो इसका क्लिनजिंग मिल्क भी ट्राई करते हैं। तो रात को सोने से पहले इसको लगा के देखते हैं, बताऊँगी जैसा भी होगा। इसके अलावा मैंने मंगाया है ये लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश विटामिन सी सीरम। गर्मियों में थोड़ा सा ऐसा यूज़ करने में बड़ा अच्छा सा लगता है। इसके अलावा मैंने ना 2 रेडीमेड ब्लाउज मंगाए हैं, ये देखिए। मुझे ना सही बताऊँ, सीनी के यहाँ पे जाना है, अभी बेबी शार फंक्शन होने वाला है उसके यहाँ पे, तो उसमें थीम दी गई है लाइट ब्लू या लाइट पिंक, जो भी पहनना हो। तो लाइट पिंक मैंने बहुत बार पहन लिया है, बहुत बार लाइट ब्लू कलर की साड़ी में पहनने वाली हूँ, बट उसका ब्लाउज सही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो उससे मैच करता हूँ, रेडीमेड ब्लाउज मंगाती हूँ। तो मैंने एक ये वाला ब्लाउज मंगाया है, इसके मतलब ये देख सकते हो आप, ये चिकन वर्क है एंड इसके साथ स्लीव्स भी हैं अगर लगवानी हो तो ये। लेकिन वो साड़ी मेरी सिल्क की है, तो मैंने सोचा सिल्क फैब्रिक में ही मंगा लेते हैं, जो ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये वाला एक मैंने मंगाया है, बट ये ना ग्रीनिश कलर में है, लेकिन साड़ी में मैच हो रहा है ये भी और ये भी। तो देखती हूँ मैं जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगी। बाय द वे, मैं इन सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। बट ब्लाउज़ का फैब्रिक क्वालिटी, स्टिचिंग क्वालिटी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है।
तो चलिए ये सब प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो अभी यहाँ पर ना स्मोली के कज़िन्स और चाचा जी आ चुके हैं, सब लोग स्मोली के भाई बहन, और उनका सबका नाश्ता खाना पीना हो चुका है, उसी में ही बिजी थे हम लोग आज सुबह से बनाने में। तो फाइनली मैंने सोचा चलो अब स्मोली पहली बार जा रही है अपने मायके, तो इसका व्लॉग बनाना तो बनता ही है। पहले मैं सोच रही थी ठीक है, इतना थक गए थे ना और शादी के व्लॉग्स इतने सारे हो गए थे, व्लॉग मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं आपको दिखाना चाहिए जब इतना कुछ दिखा ही रहे हैं। तो ये स्मोली की मैं साड़ी आपको बता दूँ, ये साड़ी भी चढ़ाव की है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना कि कौन सी साड़ी, जैसे किरण ने भी मोस्टली जो साड़ियाँ पहनी हैं अभी जो दादरे में भी पहन के आई थी गाना गाते वक्त, वो भी चढ़ाव की साड़ी थी, क्योंकि किरण की साड़ी वैसे की वैसी रखी हुई है, निकली ही नहीं थी। अब जब घर में फंक्शन पड़ा है एक साल ही हुए शादी को, तो साड़ी अभी मतलब फैशन में ट्रेंड में है। तो यहाँ पर किरण ने स्मोली को वो चिया चाकरी वगैरह बनाते ना हाथ में, वो सब बना दिया और उसकी अब ओली डालेगी, तो वही सब है वीडियो, आप एंजॉय करिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करते तो समझ में आता है कि ठीक है आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो ये स्मोली के भाई बहन बड़े ही शर्मा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि दीदी व्लॉग बना रही है, तो क्यों शर्मा रहे हो? सिद्धि इधर देखो, सिद्धि आज बढ़िया फोन देख रही हूँ। निकालो ढक्कन खोल निकल को, वही में डाल दिया पन्नी में डाल के रख दे जो है ना, साड़ी की पन्नी अपनी पास में डाल लेगी जाओ वही में रख दे, अब मौज उठा दे इनका, का खस्ता लड्डू खस्ता लड्डू लेके आऊँ मैं, यही रखी थी वैसे बहुत सारी। तो बस इस मोली के जाने की तैयारी लग चुकी है, ये आपको दिखा दूँ, ये दो साड़ियाँ हैं जो कि विदाई के वक्त ससुराल से दी जाती हैं बहू को, तो इसको भी हमने पूरा तैयार करा लिया था, ब्लाउज एंड ऑल स्टिच करवा लिया था जब चढ़ाव का हम सामान तैयार कर रहे थे, बहुत ही प्यारी साड़ियाँ हैं वो भी। और बस इसके बाद स्मोली माथा टेकेगी, और जो स्मोली के जितने भी भैया लोग आए हुए हैं उनको ये मम्मी ना लिफाफा नारियल और ये कपड़े दे करके टीका करेंगी, और जो लड़कियां हैं तो लड़कियों को हम लोग लिफाफा ही दे दे रहे हैं, तो उन लोग को जो पसंद आएगा अपने हिसाब से लेती रहेंगी। तो स्मोली के भैया हैं रियल ब्रदर हैं जो कि सबको टीका कर मतलब पैर पड़ रहे हैं, होता है एक्चुअली ये सब चीज़ें जो मतलब होती आ रही हैं पहले से, तो जितना इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बताते कि इतना लिफाफा देना उतना लिफाफा देना है, जितना जिसको देना हो, लेकिन घर के जितने भी बड़े लोग मौजूद हैं वहाँ पर सबके वो पैर पड़ते हैं, भैया लोग आते हैं। और बस मम्मी भी यहाँ पर सबका टीका कर रही है, मैंने बताया आपको नारियल कपड़े के साथ में। चाची जा रही है ननू, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नई बहू से भी जितने भी घर के बड़े लोग हैं मानदान बुआ दादी लोग नंदे और दादी सास सास हैं सब लोग जिठानी उनके भी पैर पड़वाते हैं, तो स्मोली भी अब सबके पैर पड़ रही है, और ये सेम चीज़ हमने किरण के टाइम पे भी करवाई थी, मेरे टाइम पे भी होगा ऑब्वियसली, हर हर कुछ सेम सेम चीज़ ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और। बस इस तरीके से बस अब घर को सुना करके स्मोली चली जाएगी, अभी तक आदत थी रोज़ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ घर पे बाजे बजाना चलता रहता था, अब होता है नई बहू के आने के बाद एकदम से हलचल हो जाती है, वो मायके जाएगी, और ऐसा होता है हमारे यहाँ पे पहली होली बहू की मायके की होती है,
तब वो होली के बाद ही आएगी। आपको पता, जब मेरी पहली होली हुई थी ना, तो उस टाइम पे मैं मायके नहीं जा पाई थी। मैं क्या हुआ था उस दिन, उस टाइम पे मम्मी ने महामृत्युंजय का जाप रखा था यहाँ खजुराहो वाले घर पे। तो मैं दिल्ली से आई थी, दिल्ली में तब मैं जॉब करती थी। तो फिर मैं खैर अपनी चाची जी के यहाँ पे चली गई थी होली वाले दिन, फिर मैं मायके उसके बाद चली गई थी। टाटा बाय बाय करने आ रहे दादी वो। तो हम लोग यहाँ पर शोभित भैया के लिए बोल रहे थे कि जैसे सौरभ ने संगीत में डांस किया था ना, मेरी बीवी मायके चली गई, वैसे अब शोभित भैया खुशी से झूमने वाले हैं या पता नहीं याद करने वाले हैं भैया, तो कह रहे से मज़े ले रहे थे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।